तो ब्रो तुझे लगता है दैट तेरे साथ हर कोई साथ दे रहा है तेरा, मतलब तुझे हर कोई साथ देता है, तुझे लगता है? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर तुझे लगता है ऐसा? एंड अभी तुझे डिफरेंस लग रहा होगा, अगर तू मेरा सब्सक्राइबर है तो तुझे डिफरेंस लग रहा होगा कि थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले मैं कहीं और सिखाता था, तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ अभी, तो मैं लाइक पूरी पूरी जगह ही चेंज हो गई है मेरा, मतलब मैं पहले कहीं और रहता था, अभी मैं और रहने आ गया हूँ। सो वापस से टॉपिक पर आते हैं, मैंने पूरा टॉपिक ही बदल दिया। बट स्टिल द थिंग इज, तुझे लगता है दैट तेरे साथ सब लोग हैं, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार एंड जो भी तुझे साथ दे रहे हैं वो? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हो रहा है वो सब कुछ तेरे ऊपर है, सब कुछ तेरे ऊपर है, सिंगल हैंडेडली सब कुछ तेरे ऊपर है, सिंगल हैंडेडली। अभी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं तुझे, मुझे भी, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, पर जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ वैसे तुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? तो मेन चीज ये है, वापिस से टॉपिक पर आते हैं, तो यू आर ऑल इन अलोन इस गेम में, तू अकेला है। ये कोई मल्टीप्लेयर गेम नहीं है, ये मल्टीप्लेयर गेम नहीं है, दिस इज अ वन मैन गेम। यस, दिस इज अ वन मैन गेम। इतना ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी, उसके लिए मैं तुझे कह सकता हूँ। अभी तेरे माइंड में बहुत ज्यादा थॉट आए होंगे कि मेरा दोस्त तो मेरे लिए ये करता है वो करता है, मतलब मेरे लिए ये सब करते हैं। नहीं, वो उनकी मसल मेमोरी है, उनको सिखाया गया है कि हमेशा सबके साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे तू उसका, मतलब जैसे वो तेरा दोस्त है, ऐसे उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, एंड वो इन्फ्लुएंस का गेम होता है, एक टाइप का कुछ तो, मतलब मैं कह सकता हूँ दैट वो ना चाह के भी उन्हें वो करते हैं, गलत वे में नहीं करते। बहुत लोग मैनिपुलेशन, इमोशनल यूज गलत चीजों के लिए भी करते हैं, पर वो अच्छे के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी आदत है। ऐसे मेरे साथ, मुझे लगता था दैट मेरे साथ सब अच्छे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। तू अगर किसी को वैल्यू दे रहा है तो वो तेरे साथ रहेंगे। अगर तू उन्हें कुछ नहीं कर रहा है, देन कोई कुछ नहीं करेगा, दैट्स द थिंग। एंड तुझे उसकी कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है दैट तेरे साथ कोई रहेगा या नहीं रहेगा। बिकॉज मैं जब से ये माइंडसेट रखा हूँ, एंड मतलब मैं क्या था, मैं इससे पहले ना इतना ज्यादा, मतलब पकड़ा गया था, मैं पकड़ा गया था। आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, देख आ रहे हैं, मत डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है? मैं अभी नहीं हो रहा हूँ, तू भी नहीं होगा, ठीक है? ये एक टाइप का तेरे लिए टेस्ट है कि कोई कुछ हो रहा है बाहर से एक्सटर्नल हो रहा है, तो हमें जितना हो सकता है उतना फोकस्ड रहना है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमें अपनी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। सो मेनली वापिस से टॉपिक पर आते हैं कि तुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है दैट मेरे साथ कोई है, इवन योर मॉम एंड डैड। यस, इवन योर मॉम एंड डैड। तेरे दिमाग में अब भी आया होगा दैट पार, तूने कैसे बोल दिया मेरे बाबा के बारे में? मैं भी पहले ऐसा ही था, इमोशनल ड्रामा करने वाला, सब करने वाला, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला, पर एक टाइम के बाद मुझे पता चला है कि कोई भी तुझे साथ नहीं देगा। जब तेरा, तू एक दिन, एक दो दिन घर किधर जाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो तुझे अपने आप चिल्लाएंगे लोग, चिल्लाएंगे। तेरे खराब टाइम आने पर तुझे हर कोई बोलेगा, इवन योर मॉम एंड डैड, तेरे मम्मी पापा भी तुझे बोलेंगे। 2 दिन तू खाली एक दिन कोई काम मत कर। अगर तेरे घर पे तेरी हालत अच्छी है या फिर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है एंड तेरे माँ बाप ने पेरेंटिंग करना सीखी है अच्छे से, तो फिर तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे वो सपोर्ट करेंगे। पर अगर तू हर घर की तरह ऐसे पेरेंट्स के साथ रहता है जो तुझे सिर्फ चिल्लाते हैं तू कुछ गलती करने पर, देन तू वो इच्छा ही मत रख, तू उनसे बात करना छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ। बिकॉज अभी तेरे दिमाग में आया होगा कि लाइक, हाँ पार्थ ऐसे तू नहीं बोल सकता, ये थोड़ा सा गलत है, पर नहीं, ये मतलब वो तुझे इतना ज्यादा कंफर्ट में रखेंगे, इतना ज्यादा सब कुछ रखेंगे ना, कि तू ग्रो नहीं कर पाएगा।
मुझे पता है लिटरली। एक मिनट हाँ, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। तो बात ये आती है दैट वो तुझे कंफर्ट में डाल देंगे। मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ तुझे दैट मैं कैसे कंफर्ट में आया। मेरे दोस्त थे फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में। अब उन दोस्तों से मेरी दोस्ती हो गई। वो मेरी मस्ती करते थे एंड मतलब वो बुली नहीं थे, एक टाइप के बुली नहीं करते थे, मुझे परेशान करते थे। वो अच्छे के लिए दोस्ती करते थे, भले ही दोस्ती थोड़ी मस्ती थोड़ी और ज्यादा होती थी, डीप मस्ती होती थी। पर मेरी मम्मी ऐसी थी, मैं तुझे स्टोरीज बता रहा हूँ वरना कोई बताता भी नहीं है, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। मेरी मम्मी ने उन दोस्तों से मेरी दोस्ती ही खत्म कर दी। मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको दोस्ती मतलब ऐसे दोस्त थे जो दिखावा करते थे। नाम की दोस्ती, नाम की दोस्ती समझ सकता है तू कैसी दोस्ती। हाय बाय ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती नहीं कि ब्रो कुछ हुआ है आता हूँ मैं तेरे पास, ऐसी दोस्ती चाहिए होती है। एंड मुझे उस टाइम पे दोस्त मिले थे ऐसे, भले ही मैं ऐसे टाइप का लड़का नहीं था खुद भी, पर मैं अगर उनके साथ रहता तो मैं तभी चेंज हो जाता। पर नहीं, उनको लगा कि मतलब कुछ तो किया मेरी मम्मी ने एंड पूरी दोस्ती तोड़वा दी मेरी। एंड उसका इफेक्ट, एंड वो दोस्त मेरा 5 से 6 साल बाद आज भी वो मेरा दोस्त है एंड हम बहुत ज्यादा डीप दोस्त हैं। सो मेन चीज ये है दैट वो माँ बाप तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहते, पर कई कई जगह पर उनके दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि दैट वो एक जो मतलब कुछ होता है रहता है उसका गलत रिएक्शन दे देते हैं। करना चाहिए उन्हें तुझे सपोर्ट, पर वो तुझे डांट देते हैं। ऐसे टाइम पे जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो तुझे चिल्ला देते हैं। जब सबसे ज्यादा तुझे लाइक सपोर्ट चाहिए होता है, लाइक एक टाइप का एप्रिसिएशन चाहिए होता है, तब वो तुझे डांट देते हैं, तब वो तुझे कुछ कहते ही नहीं है। एंड ये मैं डीप मुझे अंदर से फील हो रहा है बिकॉज मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। एक तो मैं पहले से ही जब छोटा था तब मैंने कुछ अचीव नहीं किया है ज्यादा कुछ, एंड उसके ऊपर मुझे कभी जो मैंने अचीव किया उसके लिए मुझे एप्रिसिएशन भी नहीं मिला है। आई वॉज दैट किड जिसको कभी किसी चीज के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। यस ऐसा था, मतलब मेरी कभी वैल्यू ही की नहीं गई है। मैं वैसा लड़का था, मेरे दोस्त थे ही नहीं पहली बात तो। अभी ये अलग बात है, अभी मुझे पता है कि ये सब चीजें कैसे फिक्स करते हैं। ये सब चीजें मतलब पीछे ही मेरी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें सारा आंसर्स हैं, पर उस पार्ट के पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अकेला था जिसके पास उसके माँ बाप ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, एंड वो और ज्यादा टूट गया पूरी तरीके से। एंड आज भी मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे अंदर से फील होता है, मैं इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ दैट नहीं मुझे नहीं करनी बात किसी से जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जाए भाड़ में, मुझे नहीं बनना है ऐसा। ये भले ही टॉक्सिक लग रहा हो बट नहीं, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इस सारी चीज से। अगर तुम किसी मतलब जो तुम्हें नहीं सपोर्ट कर रहा है तुम उनसे बात ही नहीं करोगे, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, लिटरली बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। क्योंकि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तब जहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम थक गए हो, तुम सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे सा एप्रिसिएशन चाहिए, तुम्हें कोई अप्रिसिएट नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। मेरा अभी सबसे वर्स्ट फेज था। एंड मैं तुझे बात बताऊं, मेरे वर्स्ट फेज में सपोर्ट करने के बजाय मेरे माँ बाप ने मुझे रात रात चिल्लाया, मुझे धमकी दी दैट तू घर से बाहर निकल, तुझे खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एंड वो मस्ती नहीं थी उनकी, वो लिटरली बहुत ज्यादा डीप में बोल रहे थे मुझे। एंड इतना ज्यादा उस टाइम पे मैं अकेला पड़ गया था। चलो अगर मैं किसी मम्मी मेरी मम्मी को बोल रहा हूँ तो उनके
फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी के फैमिली मेंबर्स हैं। चलो मैं पापा को बोल रहा हूँ तो पापा के फैमिली मेंबर्स हैं, पर अगर मुझे बोल रहे हैं तो मैं किसके पास जाऊंगा? दैट्स द थिंग ना, मेरे पास कोई नहीं था तभी उस टाइम पे। मैंने मेरे सर जो है ना, उनको रात को 1 बजे फोन किया। मैं इतना ज्यादा टूट गया था, रो रहा था मैं। दैट मैंने उनको 1 बजे फोन किया था, एंड ही वॉज स्लीपिंग, मैं रो रहा था। लाइक मेरी तभी हालत ही नहीं थी बात करने की। लाइक मैं मेंटल हो गया था इस फेज में, मैं पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गया था। जितना स्ट्रांग था मैं, जितना ज्यादा मैंने खुद को इम्प्रूव किया था, सब ऐसे धड़ाम से टूट गया। ऐसा हुआ मेरे साथ। आई वॉज मतलब मुझे पूरा तोड़ दिया अंदर से। अभी मैं पूरी तरीके से चेंज हो गया हूं, पर उस टाइम पे मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया था, पूरी तरीके से। इतना ज्यादा तोड़ा कि मैं जुड़ नहीं पा रहा था। रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से मैं ना ऑफिस टाइम पे जा पाता था, मैं ना काम कर पाता था, मैं ना डाइट कर पाता था, मैं ना जिम कर पाता था। मतलब इतना ज्यादा वो टूट गया था मैं, दैट कुछ नहीं हो रहा था मुझसे, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने यूट्यूब वीडियो भी नहीं डाली, यूट्यूब वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं सुबह उठ नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा डीप ट्रॉमा दिया था उन्होंने मुझे। एंड फिर एंड स्टिल माँ बाप की एक ये सबसे बड़ी गलती होती है, अगर तुम पेरेंट हो और तुम ये देख रहे हो, तुम पता है मुझे पेरेंट नहीं है, तो मेरा व्यूअर है, पर अगर चलो नसीब से किसी के बाप ने देख लिया, मैं उनको ये कह रहा हूँ दैट तुम ना खुद की गलती भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, माँ बाप जो भी देख रहे हैं। एंड तू भी ध्यान रख दैट तेरे माँ बाप अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। उनको दिखता है तो सिर्फ बेटे की गलती एंड खुद की गलती पे कभी वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे पत्थर की लकीर बना लेंगे दैट हाँ मैं सही हूं, मेरा बेटा गलत है। दैट्स द थिंग। एंड ऐसे होता है, ये होता है। मेरे बाल, मेरी बुक्स, मैंने जो सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का स्टार्ट किया, मेरे माँ बाप ने सब हटाने का ट्राई किया उधर से। बाल तो कट गए, चलो मुझे बाल से कोई मतलब नहीं है, पर जो मैंने सीखा है, जिससे मैंने सीखा है, उसके लिए मुझे कह रहे थे। ऐसा इफेक्ट आ रहा था मुझ पर दैट ये वो कर रहा है, बुक पढ़ रहा है तो उसको उसमें से गलत चीज सीख रहे। अरे यार क्या गलत सीख मिलती है? उस पर मिलेनियर्स ने बुक लिखी है, उस पर डेविड गॉगिंस जैसे लड़के ने बुक लिखी है, अब वो गलत है? बोलते कि तू क्रिश्चियन बन गया बुक्स पढ़ पढ़ के, इंग्लिश वाली है। मतलब लॉजिक नहीं है, कुछ कुछ लॉजिक नहीं है। एंड फिर मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो तेरा अच्छा चाह रहे हैं। अच्छा चाह रहे हो ये? मुझे तो अभी तक, मैं ये मेरे लिए कुछ भी करेंगे, एक एक चीज करेंगे, फिर भी मेरे अंदर कोई ना कोई कड़वी चीज रह ही जाएगी उनके लिए। बिकॉज उन्होंने सपोर्ट करने के लिए सब दिया मुझे, सपोर्ट करने के लिए मतलब पढ़ाई की फीस जो भी है, पर जब सपोर्ट चाहिए होता है, जो एप्रिसिएशन चाहिए होता है, जो मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, उस टाइम पे उन्होंने वो मुझे नहीं दिया। सो मुझे हर टाइम उनके लिए एक छोटी सी हेट रहने वाली है। एंड ये फेज सबके लाइफ में आता है, एंड इस फेज को तोड़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा और ज्यादा बनाऊंगा। अभी मैं खुद उस फेज से निकल रहा हूँ आज। उतना मतलब मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है मैं तुम्हें कैसे गाइड करूँ, पर जैसे ही मैं खड़ा हो जाऊंगा खुद के दम पे, तो मैं तुम्हें तेरे लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा। बिकॉज मुझे पता है ऐसी चीजें हर एक घर में होती है, ये प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं। एक एक बच्चे को घर पे प्रॉब्लम आती है, एंड वो या तो वो काफी कमजोर होगा तो सुसाइड कर लेगा, या फिर स्ट्रांग होगा। मोस्ट ऑफ द लोग स्ट्रांग होते हैं, तू भी स्ट्रांग है, तो वो सह लेते हैं। पर उस बच्चे का क्या जो ये सब चीजें नहीं सहन कर पाता है, वो
सुसाइड कर लेगा एक दिन यार, वो कुछ ना कुछ खा पी के मर जाएगा। इतना ज्यादा डीप ट्रॉमा देते हैं लोग आजकल। एंड ये मेरे साथ हुआ है, मेरे माँ बाप ने किया है, इसलिए मैंने माँ बाप का नाम दिया। बाकी अगर मैंने तेरे माँ बाप को कुछ बोला, आई डीपली अपोलोजाइज, पर जो सच है वो सच है। अगर तेरे साथ हुआ है तो तू एक्सेप्ट कर उसे। तेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आया होगा कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। मैं उन्हें खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट उनको जो रिएक्शन देना चाहिए तेरे सपोर्ट के लिए, वो तुझे कभी नहीं मिला है। एंड ये पता नहीं मेरे साथ हुआ है कि किसके साथ हुआ है, बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, मुझे पता भी नहीं है किसके माँ बाप ये करते हैं। एक बात याद है मुझे दैट अगर तुझे अभी ये फेस नहीं करना है तो तुझे अपने बेटे को भी ये फील नहीं करवाना है कभी। तुझे एक अच्छा पेरेंट बनना है। वो गलती करेगा तो उसे सिखाएगा, डांटेगा नहीं। दैट्स द थिंग ना, ये हमें उसके लिए वर्क करना है। बाकी मैं कुछ इस वीडियो में सिखाने वाला नहीं था, मैंने तुझे रॉ ट्रूथ बता दिया दैट ऐसे ऐसे ये होता है। बाकी मुझे बुरा लगता है यार, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है सब बातें करना, पर क्या करूं अभी, बहुत ज्यादा वो गया है। मैं कुछ नहीं हूं अभी, मैं टाइम पे पावर लिफ्टर था। कौन सा पावर लिफ्टर था मैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर लिफ्टर हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं बहुत कुछ किया है, मैं एक टोटल जिम फ्रेक था। एंड अभी मैं पूरी तरीके से जमीन पे आ गया हूँ, एकदम फट्ट करके मेरे को फेंक दिया है। ये बहुत ज्यादा हालत टाइट कर दी मेरी, मतलब मेरे सीधे सीधे कहने की बात ये है। तो बस अब उस फेस में से निकलने का जो भी रहेगा मैं करूंगा, सीखूंगा, वो मैं तुझे बता दूंगा। सिंपल सी बात है, बस जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं तुझे सिखाऊंगा एंड सिखाऊंगा। दैट्स द थिंग, ठीक है? तो मैं तेरे लिए केयर करता हूँ, बताऊंगा। बोलने से कुछ नहीं होता, बट स्टिल मुंह से निकल जाता है यार। प्यार है, हर एक चीज तेरे साथ किया है मेरे, मतलब तू बहुत ज्यादा अच्छा है यार। जब मैं डीमोटिवेटेड था तब मुझे कमेंट्स करके तूने मोटिवेट किया। एंड जब मेरे बर्थडे था तब मुझे किसी ने बर्थडे विश नहीं किया था, बिकॉज मैंने किसी को बताया भी नहीं था और किसी को मतलब नहीं था मुझसे। मेरे माँ बाप ने भी मुझे उतना कुछ वो नहीं किया। हाँ, उन्होंने केक वेक काटा वो नाम के लिए, पर मुझे क्या अच्छा लगा बताया, जब किसी अपने भाई ने, मतलब तूने कमेंट्स करके बर्थडे विश किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैंने स्पेशली मेरी कमाई से, मैंने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं किया उस दिन, मैंने मेरी कमाई से 1 5 रुपए की कैडबरी खरीदी एंड वीडियो डाली है, वो वीडियो डाली है। एंड अच्छा लगा मुझे उस दिन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट्स जब अप्रिसिएशन होते हैं ना, तब अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने कभी ये फील नहीं किया है। अभी भी मेरे माँ बाप को कान में भी आके बोल के जाऊंगा ना, दे विल नेवर फेल दिस, बिकॉज उनको कभी सिखाया नहीं गया दैट किसी की मेंटल हेल्थ के नाम की भी चीज होती है। उनको दिखता है कि सिर्फ बेटा काम करे, ये करे, वो करे, दैट्स इट। उनको बस वही आता है, वही आता है उनको, ठीक है? ऐसे बहुत कम माँ बाप हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो किसी को समझते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तेरे माँ बाप ऐसे हैं, यू आर लकी, वैल्यू करो उनके, ठीक है? बाकी डोंट फेल विनो विनिंग इट।